तहसील बालाघाट नगर आगमन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की गई। बैहर में आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। पार्टी के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने सिंह परिवार पर आरोप लगाते हुए गरीब आदिवासियों के पट्टों पर कब्जा करने का खुला आरोप लगाया। जो भूमिहीन होगा उसको टैक्स की पट्टा दिया जाएगा। मैं एक खुलासा कर रहा हूँ पत्रकार बंधुओं, भाई अजय सिंह जी के बड़े भाई अभिमन्यु सिंह जी भूमिहीन है। कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी को जनता विरोधी बताते हुए कहा कि हमें जनता की सेवा करने का मौका मिला है, हम सेवा गरीब आदिवासियों की करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की अंतिम यात्रा निकालती है और प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब साठ के हो गए, अब चलो चारों धाम की यात्रा करने। ये अंतर है भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार में। अब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की अंतिम यात्रा 2013 में निकलने वाली है। अपने संबोधन में प्रभात झा ने कांग्रेस के लोगों को पागल तक कह डाला। कांग्रेस जनता का अंतिम यात्रा निकालती है और शिवराज सिंह चौहान कहता है सात साल के हो गए, चलो चारों धाम की सिर्फ यात्रा करो। ये अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ। वहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए बीजेपी ने एक बार फिर जनता के बीच अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सत्ता में काबिज होने की दिशा में कोशिशें कर रहा है। इस सभा को प्रदेश के पीएचई और सहकारिता मंत्री गौरीशंकर मिशन ने भी संबोधित किया। हरीश रांगडाले, सात न्यूज, बालाघाट। राष्ट्रीय महिला हॉकी